आज के लिए हम जानेंगे स्टैडलर शटर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आपको स्टैडलर शटर की कंट्रोल वायरिंग ज्यादा डिटेल में जानना है, यानी हम कैसे हमारा मेन कॉन्टेक्टर डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर वर्क करते हैं उसके बारे में डिटेल में जाना, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट देखना मत भूलिए, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैडलर शटर के बारे में वो पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखना मत भूलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश और टेक्निकल परेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप फुल्ली ऑटोमेटिक स्टैडलर शटर की कंट्रोल सर्किट देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा वायरिंग करके रखा है, यानी हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने वायरिंग किया, ये मैंने फेज और न्यूट्रल के बीच किया, जो मैंने पूरा ये वायरिंग किया, जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है वो फेज और न्यूट्रल के बीच है। ठीक है, तो ये हमारा फेज जा रहा है P1, यानी ये हमारा जो स्टॉप बटन है, यहाँ पे हमारा ये स्टॉप बटन है और ये हमारा स्टार्ट बटन है। ठीक है, तो पहला जो हमारा फेज जाएगा यहाँ से, ओल रिले मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। ठीक है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बताने के लिए आपको स्टॉप बटन में दिया। तो पहला जो हमारा फेज जाएगा P1 में जाएगा, यानी मैंने यहाँ पे नाम दिया P1 P2, उसके पीछे दो टर्मिनल हो गए। ठीक है, और इसके पीछे भी दो टर्मिनल हो गए। तो पहला जो हमारा फेज जाएगा, यानी ये हमारी जो MCB मेन 4 पोल की, ठीक है, यहाँ से हमारा जो फेज जाएगा वो यहाँ पे जाएगा स्टॉप बटन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो स्टॉप बटन का दूसरा टर्मिनल इसके पीछे होगा वो शॉर्ट किया होगा, वो P4 में आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट बटन में, यानी ये शॉर्ट करके रखा है और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकल के रखा है ये वाला वाला। ठीक है, ये रेड कलर से देखते हैं। और जो P4 है, ये वाला P4, वो जाएगा मेन के NO में। तो मेन का NO हमारा यहाँ पे, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा का, और ये हमारा स्टार, और ये हमारा टाइमर है। ठीक है, 800 SD टाइमर मैंने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, इसका मिनिमम मैक्सिमम 1 मिनट तक आप उसमें टाइमर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो मेन का NO है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, वो जाएगा ये यहाँ से स्टार्ट बटन से जाएगा मेन के NO। तो ये वाला जो जा रहा है स्टार्ट बटन से मेन का NO, यानी यहाँ पे जाएगा नीचे, ये नीचे आप ये अपने ऊपर ये वाला जो वो NC कॉन्टेक्टर है, NC कॉन्टेक्ट है और नीचे NO है। ठीक है, तो ये मिला नीचे वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके NO में जाएगा। ठीक है, मेन के NO से, यानी स्टार्ट पुश बटन से मेन के NO में जाएगा, और जो उसका दूसरा टर्मिनल है वो जाएगा मेन के MU सुपर में, यानी यहाँ से जो NO है ये वाला, और उसका जो ये दूसरा NO है उसका जो दूसरा टर्मिनल वो जाएगा मेन की NV सुपर। NV सुपर यानी ये हमारे आप देख सकते हो यहाँ पे A1 और A2 है, तो उसके A1 में देना है। कहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, ये इसकी ऑक्सिलरी कॉल ये कॉन्टेक्टर की, तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, मेन के NO से यहाँ पे जाएगा। उसके बाद मेन का NO का जो दूसरा वायर वो जाएगा स्टार के NO में, यहाँ से ही हमको निकलना है ये वाला, यहाँ से ही जाएगा हमारा मेन स्टार के NO में। ये रेड कलर का जा रहा है ये इस तरह से, यहाँ पे स्टार का NO। ठीक है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है, उसके यहाँ पे नीचे ये वाला है पोर्शन, ये उसके NO में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके NO में जाएगा, ऊपर NC है, नीचे NO। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे बताया स्टार का NO से जाएगा स्टार की NC में, यानी जो स्टार का NO मैंने यहाँ पे बताया था उसका जो दूसरा टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो जाएगा स्टार की NC में जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो स्टार का NO मैंने यहाँ पे बताया वहाँ से ये मैंने शॉर्ट लिंक मारा है यहाँ पे स्टार की NC में, यहाँ पे जो है स्टार का NO जाएगा स्टार की NC में, यानी ये स्टार का NO यहाँ पे, यहाँ से भी स्टार की NC में हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद स्टार की NC का जो दूसरा टर्मिनल है वो जाएगा डेल्टा के NVC पर, मैंने ये वाला जाएगा हमारी डेल्टा, यानी डेल्टा के, यानी ये वाला हमारा कॉन्टेक्ट उसकी NVC को, यानी A1 में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो, तो यहाँ से जा रहा है A1 ऑक्सिलरी कॉइल में। ठीक है, डेल्टा की NC में, NVC कॉइल में। ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ से पकड़ रहे P3, यानी हमारा ये ब्लैक कलर का वायर है। ठीक है, इस तरह से ये वाला P3, तो वो जा रहा है हमारी स्टार के NO में जा रहा है और टाइमर की NC में जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो ब्लैक जा रहा है वो दिया डायरेक्टली यहाँ पे स्टार के NO में, यहाँ पे जो स्टार का NO का दूसरा टर्मिनल NO नीचे दिया। ठीक है, और यहाँ से लूप निकाल के दिया टाइमर की, जो ये 25 है यहाँ पे टाइमर का कॉमन, वहाँ पे दिया। ठीक है, इसमें A1 और A2 यहाँ पे, ठीक है, और ये 25 कॉमन है, 26 हमारा NC और 28 हमारा NO है। तो यहाँ पे हम कॉमन और NC को यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो मैंने जैसे बताया टाइमर जो कॉमन है, टाइमर स्टार का NO और टाइमर का NC कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का P3 से जा रहा है स्टार के NO में और टाइमर के NC में, यानी कॉमन दिया है, ये जाएगा ब्लैक कलर का स्टार के NO में, और यहाँ से फिर टाइमर की ये जो कॉमन 25 वाला है, ये यानी मैं बताया 25 उसमें जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइमर का NC का जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला, वो जाएगा स्टार की NVC में, यानी यहाँ से ये वाला है NC, वो जाएगा स्टार की स्टार कॉन्टेक्टर की जो NVC कॉल यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, ये देख सकते हो, ये वाला मैंने यहाँ पे दिया, ये वाला वायर। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, यानी इतना हमारा कनेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, और जो ये टाइमर है उसको कॉल को भी हमें सप्लाई देना। ठीक है, तो ये जो टाइमर है मेरे पास वो फेज और न्यूट्रल पे ही ऑपरेट होता है, इसलिए मैंने फेज के लिए यहाँ से ही उसको एक लूप दे दिया है, जो मैंने
यहाँ पे कॉमन दिया था ये वाला, यहाँ से लूप निकल के A1 कॉइल को दे दिया, ठीक है, यानी फेज मैंने यहाँ से इसको दे दिया, और जो ये रेड कलर का वायर ये न्यूट्रल है, मैंने डायरेक्टली मैंने न्यूट्रल इसको यहाँ से जो हमारे MCB है ये यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल यहाँ से दिया है, ठीक है, यानी फेस न्यूट्रल पे ये ऑपरेट होगी, इसको दो फेस नहीं देना है, दो फेस यहाँ पे दोगे तो ये पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये स्टार का NVC यहाँ से जाएगा डेल्टा की NC में, स्टार का NVC का जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला ब्लू कलर से, वो जाएगा डेल्टा की NC, यानी ये डेल्टा कॉन्टैक्ट उसकी NC में जाएगा, उसके बाद उसका जो दूसरा टर्मिनल डेल्टा की NC का वो जाएगा स्टार का डेल्टा की NVC कॉल और मेन की NVC कॉल, और डायरेक्टली न्यूट्रल में जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर जाएगा, ये हमारा डेल्टा की NC से दूसरा टर्मिनल जाएगा, डेल्टा की NVC कॉल यहाँ पे दिया है, और यहाँ से ही फिर लूप निकाल के मैंने दिया है मेन कॉन्टैक्ट की NVC कॉल में, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से फिर लूप निकाल के मैंने दिया है ये न्यूट्रल में, रेड कलर से आया जाए यहाँ पे न्यूट्रल में दिया, ठीक है, यानी ये पूरी कंट्रोल सर्किट फेस और न्यूट्रल के बीच ही मैंने की है, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइमर सिंगल फेस पे ऑपरेट होता है, अगर डबल फेस का यानी दो फेस पे मेरा टाइमर ऑपरेट होता तो ये जो पूरी सर्किट हम करते दो फेस के बीच करते, ठीक है, ये अभी हमने फेज और न्यूट्रल के बीच किए, ठीक है। अभी हमें मोटर में जो कनेक्शन देना, तो आप देख सकते हो ये 3 फेज 4 पोल के MCB, यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा फेज है RYB, तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर में दिया, यहाँ पे RYB, यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर के वहाँ पे इनपुट देना, ठीक है, RYB, इसके बाद इसका लूप देना R2R, Y2I और B2B, जो ऑलरेडी मैंने देख रखा है, ठीक है, RYB, ठीक है। उसी तरह इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से फिर जो RYB यहाँ से हमें निकालना है वो यहाँ से लूप देना है, R2R, Y2Y और B2B, यहाँ से भी इसको यहाँ पे लूप देना है और यहाँ पे देना है, और यहाँ पे जो ऊपर के स्टारलिंक मान है उसको शॉर्ट करना है, ठीक है, RYB को, और जो आउटपुट है हमारा यहाँ से निकलेगा, A1 B1 C1 लिख दो, A2 B2 C2, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे ये जो हमारे टेस्ट लेन इसमें दिया, ठीक है, यानी R का यहाँ पे जाएगा वायर, और यहाँ से मैंने दूसरा दिया इसका ये बल्ब का येलो वाला, यहाँ पे R2Y देना है, दोनों फेस साथ में नहीं देना, ठीक है, R2Y, Y2B और B2R देना है, फेस अलग अलग यूज करना है, ठीक है, तो अभी हमारी मोटर भी ऑपरेट हुई, ठीक है। तो अभी ये पूरा हमारा कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो चुका है, ठीक है, अभी हम ये MCB को ऑन करके प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे ही हमारा स्टार डेला स्टार्टअप वर्क करता है। तो ये मैंने MCB ऑन किया, ठीक है, और ये हम स्टार्ट बटन दबा रहे हैं, तो ये अभी हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर अभी काम कर रहा है, हमारे टाइमर पे मैंने 15 सेकंड जितना सेट किया, यानी 15 सेकंड के बाद मेरा मेन कॉन्टैक्टर डेल्टा कॉन्टैक्टर वर्क करेगा और हमारी मोटर फुल लोड कैपेसिटी पे काम करेगा। अभी स्टार में कम कर रही है, हमारे बल्ब भी देख सकते हैं, लोड में मैंने बल्ब को लगाया, यानी बल्ब अभी थोड़ा कम ग्लो हो रहा है, अभी मेन कॉन्टैक्टर डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा वर्क कर रहा है, यानी हमारी अभी मोटर फुल लोड कैपेसिटी पे काम कर रही है। यहाँ पर मैं टाइमर को 10 सेकंड के लिए सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मोटर की जगह ये लैम्प लोड को यूज़ किया, ठीक है। तो जब मेन और स्टार कंडक्टर वर्क करेंगे तो हमारे लैम्प कम ग्लो होंगे थोड़ा, और जब मेन और डेल्टा वर्क करें तो फुल लोड पे लोड होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अभी टाइमर मैंने कम टाइम के लिए सेट किया है, तो ये हमारा अभी मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर वर्क करा है, और ये हमारा पूरा स्टार्टर वर्क करा है, ठीक है।